गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्पम् वाग्मय मम तम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गाद नवलक्षण लक्षतम् श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बरातुं कोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदे हम श्री गुरुर् श्री पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्णचंद्र चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च आजान लंबित भुजौ कनकावलापौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाध श्रीमद्रत्नागार रत्नसिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्री गोविंद देवौ प्रेष्ठादि सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमांगरास रसारम्भे वंशीवट्टतस्थित कर्षण वेणुस्वनैर् गोपी गोपीनाथ श्रीयोस्तु नः जयतां सुरतौ पंगो मौ मंदमतिर्गति मत्सर्वस्व पदां भुजौ श्री राधा मदनमोहनौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथदासो श्री जीव मे कुरुत मंद मते दयामुद्रा बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय परम मंगल श्री बृहद्भागवतामृत 155वां श्लोक पूर्व प्रसंग में कहे आए थे। श्री नारद जी गोप कुमार के सामने श्री रासलीला का वर्णन कर रहे हैं और उस प्रसंग में केवल संकेत मात्र में जैसे अगस्त्य ऋषि पूरे समुद्र को एक चुल्लू में पान कर गए ऐसे एक वाक्य में ही संपूर्ण गोपी गीत का आस्वादन पान करते हुए अगस्त्य ऋषि की तरह से श्री नारद जी ने आधे श्लोक में ही उस पूरे गीत का निरूपण कर दिया कि तासाम आत्या गीतवत रोदनाद्या कि श्री ब्रजगोपी का गर्भ ने आर्त होकर के जब गीत गाया और रुदन किया श्याम सुंदर रुदन सह नहीं कर सके और प्रादुर्भूय आनंदपुरम व्यथत्व प्रादुर्भूत होकर के आनंद प्रदान किया। मुझे वैष्णवों की आज्ञा हुई है कि थोड़ा सा प्रेम गीत ये गोपी गीत के प्रसंग को थोड़ा सा कहीं गायन किया जाए तो थोड़ा सा प्रयत्न कर रहे हैं उसी को लेकर के। श्री तासाम आरतिया गीतवत रोदनम यह
आर्ती पूर्वक जो गोपियों का रुदन है, उस रुदन को गोपी गीत को थोड़े से माने जो 19 श्लोक है उनमें 19वें श्लोक का तो कल थोड़ी व्याख्या कर दी थी, बाधा के पहले के जो श्लोक हैं उनका थोड़ा सा स्पर्श करेंगे। श्री ब्रजगोपिकागण उस समय आप होकर के कह रही हैं कि जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रेयते इंदिरा शशोदत्रिणी दैत दृश्यताम दीक्षु तावका त्वयि धृता समस्त्वाम विचिन्वते। बोल प्यारे, ये ब्रज तो सर्वसमृद्धिमान था, परंतु जब से तूने जन्म लिया तब से ये ब्रज और भी अधिक जयति माने सर्वोत्कृष्ट होकर के विराजमान हो गया, इसकी महिमा और भी ज्यादा उत्कृष्ट हो गई। और इस ब्रज के कारण केवल भारतवर्ष की भूमि की ही महिमा नहीं बढ़ी, बल्कि पूरे विश्व की महिमा अपूर्ण रूप से बढ़ गई। तो जयति तेधिकम जन्मना ब्रजो, ये ब्रज आज तेरे जन्म लेने से यह जयति माने सर्वोत्कर्षण वर्तते, सर्वोत्कृष्ट होकर के विराजमान है। ब्रज का सीधा संबंध है भारतवर्ष की भूमि से, आर्यावर्त की भूमि से, और केवल आर्यावर्त ही कृतकृति नहीं हुआ, पूरा भारतवर्ष कृतकृति हुआ, पूरा भारतवर्ष ही कृतकृति नहीं हुआ, बल्कि पूरा विश्व ही तेरे जन्म लेने से इस भारतवर्ष की भूमि की महिमा को सर्वत्र स्थापित करते हुए विराजमान हुआ, पूरा विश्व कृतकृति हो गया। और ये भारतवर्ष, ये ब्रज भूमि सारे विश्व में सबसे ज्यादा जयति माने सर्वोत्कृष्ट रूप में विराजमान हुई। श्रेयति इंदिरा शशुदत्रिणी, इस भारतवर्ष की भूमि की महिमा का एक कारण और भी है कि वैकुंठ, विश्व में वैकुंठ भी ले लिया, वैकुंठ से भी ज्यादा ये भारतवर्ष की भूमि, जितने भी धाम हैं, जितने भी लोक हैं, उन सबों में भारतवर्ष की भूमि जयति, ये ब्रज भूमि जयति, जयति तेधिकम ब्रज जन्मना ब्रज, यह ब्रज सर्वोत्कृष्ट है सारे धामों में, वैकुंठ में भी से भी बढ़कर के सर्वोत्कृष्ट धाम माना गया है वैकुंठ। परंतु वैकुंठ में लक्ष्मी की पूजा होती है, परंतु हमारे ब्रज में लक्ष्मी ब्रज की पूजा करती है, तो दोनों में अंतर यह है। तो श्रेयति इंदिरा, वहां लक्ष्मी श्रेयति और यहां पर श्रेयति, वहां पर लक्ष्मी पूजित होकर के विराजमान होती है वैकुंठ में, परंतु भारतवर्ष की भूमि में लक्ष्मी इस रज की वंदना करते हुए विराजमान होती है, इसलिए भारतवर्ष की महिमा और भी ज्यादा होती है। दैत दृश्यताम, अरे प्यारे तू बड़ा दयावान है, दैत के दो अर्थ होते हैं, दयावान दयालु भी है और प्यारा भी है, तू हमारा परम परम प्यारा है, अपना मुख दर्शन करा। और दैत दृश्यताम, ये जो वचन है, ये वचन प्रत्येक श्लोक के, ये 1900 जो श्लोक हैं, उन 1900 श्लोकों के साथ में दैत दृश्यताम ये शेष विराजमान है, इसको सब जगह लगाया जाए, यथासाध्य सब जगह, अंत में ये सब जगह है कि प्यारे तू अपने मुख का दर्शन करा, अपने मुख का दर्शन करा। दैत दृश्यताम दीक्षु तावका त्वयि धृता सवः, प्यारे हम तेरी हैं और तेरी होकर के तुझे ढूंढती ढूंढती जगत जगत में सब जगह हम दौड़ रहे हैं, अपने मुख को हमको दर्शन करा दे, हमको और हैरान मत कर। लक्ष्मी मन में विचार करती है कि मेरे प्यारे कहीं इस घर में तो नहीं है, इस घर में तो नहीं है, इसलिए द्वार द्वार के ऊपर लक्ष्मी वह ढूंढती हुई श्री श्याम सुंदर को ढूंढती है और ब्रज में ही निवास करती है। श्री इंदिरा सरस्वती, सिद्धांत में होगा कि श्री राधा रानी यहाँ की स्वामिनी है और श्री राधा रानी के स्वामित्व को देख करके श्री लक्ष्मी भी यहाँ पर
इस ब्रज भूमि की सेवा करते हुए विराजमान है। इंदिरा शब्द के दोनों अर्थ होंगे सिद्धांत में, लीला में नहीं। सिद्धांत में इंदिरा शब्द का अर्थ है श्री राधिका, यहाँ की स्वामी है, परंतु लीला में अर्थ है कि लक्ष्मी वैकुंठ की, वह भी अपने प्रिय श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए, नारायण के कृष्ण रूप को ढूंढने के लिए द्वार द्वार के ऊपर भटकती बोलती है कि मेरे प्यारे, मैं श्री नारायण के जिस कृष्ण रूप का दर्शन करती हूँ, करना चाहती हूँ, वह नारायण का वह रूप कहीं यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है, अतः लक्ष्मी इस ब्रज में ही निरंतर निवास करती है। दैत्य दृश्यताम, प्यारे तू हमको अपना मुख दर्शन करा, हम तेरी हैं। तारुका कहकर के दिखलाया कि कहां तो हम में मदीयता भाव था, तू मेरा है ये भाव था, और आज दशा ये हो गई है, समय की बलिहारी है कि आज विरह में ये हमारी दशा ये हो गई है कि हम में हम तेरी हैं यह भाव भी बचाए रखना हमके लिए, हमारे लिए कठिन हो रहा है, अर्थात अत्यंत दीनता उत्पन्न हो रही है। हम तो तेरी हैं, पहले हम विचार करती थी तू हमारा है, परंतु अब विचार है हम तेरी हैं। ये विरह में ममता भाव या भी त्वदीयता भाव में परिणत हो जाता है, ये विरह की एक विशेषता है। परिधृता सर्वस्वांग चिन्वते, प्यारे तेरे रूप माधुरी को देख करके हम ऐसी गाबरी हो गई कि हमने अपने आप को तुझे अशुल्क दासी के रूप में सौंप दिया। तेरे रूप का दर्शन करके हमने अपने आप को तेरे हाथ में पूरी तरह से सौंप दिया, हमारे प्राणों को भी हमने तुझे सौंप दिया। तो त्वयि धृता सभा, हमने तुझे देख करके ऐसी तूने तू ऐसा परम चोर चक्रवर्ती है कि तूने हमको ऐसा मोहित कर लिया अपने रूप और लीला माधुर्य से कि हम विवेक भूल गए और हमने तुझे सर्वस्व समर्पित कर दिया, हम बिना मोल की तेरी दासी हो गई, कोई मूल्य भी नहीं लिया और हम तेरी दासी हो गई, हमारे अपने प्राण मन इंद्री देह सब कुछ हमने तुझे समर्पित कर दिया। अब जब हमारे प्राण तेरे पास में समर्पित हैं, तेरे पास में सुरक्षित हैं, तो तुझे जो वस्तु समर्पित हो जाती है वो वस्तु सदा बढ़ती है, उसका कभी क्षय हो नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में हम अब विरह में अपने देह का यदि त्याग भी करना चाहें तो हम त्याग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे प्राण तेरे पास में सुरक्षित हैं। त्वयि धृता असवा, तेरे पास में हमारे असवा माने प्राण धृत माने सुरक्षित होकर के विराजमान हैं, और जब तक प्राण सुरक्षित हैं तब तक किसी का देह क्षीण हो नहीं सकता है, इंद्रियां क्षीण हो नहीं सकती हैं, इसलिए हमारी इंद्रियां भी क्षीण नहीं हो सकती हैं, हमारा देह भी क्षीण नहीं हो सकता है। प्यारे हम अब इन बिना प्राणों के ये इंद्रियां, तू ही हमारा प्राण है, हमारे प्राण तेरे पास में ही समर्पित हैं, तेरे बिना तेरा दर्शन के बिना हमारी इंद्रियां तरस रही हैं, भड़बड़ा रही हैं। प्यारे तू हमारे प्राणों को अपने पास में सुरक्षित रखे हुए है, हमको तरसा करके तुझे आनंद आता होगा, परंतु ले हम अपने प्राणों को तुझे ही समर्पित करती हैं, हमारी आयु तुझे लग जाए, हमको ये प्राण अब वापस नहीं चाहिए, अपने पास में नहीं चाहिए, हमारे प्राण हम तुझे ही समर्पित कर रही हैं। त्वयि धृता सभा, तेरे पास में हमारे पाप जो हमने अशुल्क दासी होकर के अपने आप के प्राणों को तुझे समर्पित कर दिया था, उन प्राणों को अब हम दोबारा उपयोग करना नहीं चाहती हैं, वो प्राण हम तुझे ही समर्पित कर रही हैं। त्वयि धृता सभा, उन प्राणों को प्राप्त करके तू खूब आनंद कर, तू खूब चिरंजीव होकर के विराजमान हो,
प्यारे त्वाम विचिन्वते, इस समय हमारी इंद्रियां तुझे ढूंढ रही हैं, ये तू देना नहीं चाहता है हमारे प्राण, तो हमारे प्राण अपने पास में तू रख और तू चिरजीवी होकर के विराजमान हो, ऐसा ये हमारे प्राण धन सब कुछ तेरे पास में विराजमान है। अब यदि तू हम ये हमारे प्राणों को अपने पास में रखकर कोटि नारी बध के पाप से सुरक्षित होना चाहता है, बचना चाहता है, तो उसका उपाय तेरे पास में एकमात्र बचा है केवल यही कि तू दृश्यताम दैत दृश्यताम अपना मुख दर्शन करा दे। ये तू दर्शन करा देंगे तो हमारा ये शरीर टिका रहेगा, और यदि तू दर्शन नहीं कराएगा तो हमारे प्राण तेरे पास में सुरक्षित हैं, हमारे प्राणों को लेकर के तू आयुष्मान होकर के हमारी आयु भी तुझे लग जाए, हमारे प्राणों को धारण करके तू आयुष्मान हो, हम अपने इन प्राण रहित देह को धारण करके क्या करेंगे, हम कोटि कोटि देहों को तेरे साथ त्याग करने के लिए तैयार हैं। परंतु यदि हमने देह त्याग कर दिया तो समझ ले कि तुझे कोटि कोटि वनिताओं के स्त्रियों के वध करने का पाप लगेगा। अब यदि तू उस पाप से बचना चाहता है तो उसका उपाय एकमात्र यही है कि दैत दृश्यताम तू हमको दर्शन अपना दर्शन करा दे, तो उस पाप से तू बच जाएगा। तू इतना चतुर है, तू हमको कष्ट देना चाह रहा था, हमको कहीं हैरान करना चाह रहा था, तो अरे खिलाड़ी यदि तू हमको कष्ट देने के लिए हमारे प्राणों को तैने अपने पास में रख लिया, अब यदि तू हमारे प्राणों को हमको लौटा करके दे देता तो हम तेरे वियोग में पंच प्राण नहीं कोट कोट प्राणों को एक क्षण में ही नष्ट कर देती। यदि तू नहीं मिले तो इन प्राणों को रख करके हम क्या करेंगे, हम कोट कोट प्राणों को कभी की समाप्त कर देती। अतः कहीं ये गोपिकागण प्राण त्याग कर देंगे तो फिर इनको कष्ट कैसे दूंगा, इनको हैरान कैसे करूंगा, ये विचार करके तूने हमारे प्राणों को अपनी मुट्ठी में कर रखा है और मैं हमारे प्राण तेरे चरणों का आश्रय ग्रहण करके परम परम बढ़ रहे हैं, सुखी हैं। जब तक प्राण सुखी हैं तब तक देह का त्याग हो नहीं सकता है, इसलिए हमको हैरान करने के लिए ही प्यारे तू हमारे प्राणों को अपने पास में सुरक्षित किए हुए है। यदि ऐसी बात है तो ले हम अपने प्राणों के ऊपर अपने अधिकार का त्याग करती हैं, हमारे प्राण हम तुझे ही सौंपती हैं, हमारे प्राणों को प्राप्त करके तू चिरजीवी होकर के आनंद पूर्वक निवास कर, हम तो अपने देह का भी त्याग करने के लिए कोट कोट प्रकार से तैयार हैं। परंतु ये समझ लेना कि देह त्याग करने पर भी कोट कोट स्त्रीजनों के बध का तुझे पाप मिलेगा, उस पाप से यदि तुझे बचना है तो दैत दृश्यताम तू अपना मुख दर्शन हमको करा। गंभीर भाव कि हमने तेरे रूप गुण माधुर्य का दर्शन करके तूने हमको ऐसा मोहित कर लिया कि भोली भाली हम प्रमदाओं ने अपने मन प्राण जीवन सब कुछ तुझे समर्पित कर दिए और हम तेरी अशुल्क दासता हो गई। अगली पंक्ति में आया है अशुल्क दासता, बिना मोल की हम तेरी दासी हो गए। अब हमारे प्राण तेरे पास में है, बिना प्राण के इंद्रियां किसी अन्य विषयों को सेवन कर नहीं सकती हैं। यदि हम अन्य विषयों का सेवन करना चाहें तो हमको प्राण की आवश्यकता पड़ेगी, परंतु तू हमको कष्ट देने के लिए अपने प्राण हमारे प्राणों को अपने पास में रख करके उनको निरंतर निरंतर बढ़ा रहा है। अब जब तक प्राण बढ़ रहे हैं तब तक
देह क्षीण हो नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में हम अपने प्राणों का भी त्याग नहीं कर सकते हैं। प्राणों का जब तक प्राणों के साथ में जब तक इंद्रियों का ममता संबंध बना हुआ है तब तक त्याग कर नहीं सकती है। तो ले प्यारे, हमने अपने प्राणों के साथ में भी अपनी ममता का त्याग कर दिया और अपने प्राणों को अब तुझे ही सौंप दिया कि हमारे प्राण तुझे लग जाए, हमारी आयु तुझे लग जाए और हमारी आयु प्राप्त करके तू चिरजीवी होकर के ब्रज में रह। परंतु ये समझ लेना कि हम पंच प्राणी नहीं, कोण प्राणों का भी त्याग करने के लिए तैयार हैं। हमें कोई प्राणों के प्रति मोह नहीं है, परंतु यदि हमने अपने देहों का त्याग कर दिया तो तुझे कोट बनताओं के बध का पाप लगेगा और उस पाप को लेकर के तू कहां कहां डोलेगा। यदि इस पाप से बचना चाहता है तो दैत्य दृश्यता हमको दर्शन करा, क्योंकि दिक्षु पावका हम अभी तक थी ये विचार करने वाली थी कि माम कहा तू मेरा है, परंतु अब विचार हो गया है कि हम तेरी हैं। ऐसी दीनता हमें उत्पन्न हो गई है, ऐसी हम त्वय धृता सभा अपने प्राणों को तेरे पास में ही पहले जो धरोहर रखी थी उस धरोहर को अब तुझे ही दान करती हुई विराजमान है। हमारे प्राण को पहले थी धरोहर और अब वो ही तेरे पास में हम अपने प्राणों को तुझे दान करती हुई विराजमान है। त्वय धृता सभा चिन्हते तुझे ढूंढती हुई हम डोल रही है। यदि कोट बनता बध के पाप से तुझे बचना है तो तू जल्दी से हमको अपना मुख दर्शन करा। श्याम सुंदर बोले, बोल गोपियों मैंने तुम्हारे प्राणों को कब चुराया है कब लिया है। बोल प्यारे, तेरे शरीर का कोई दूसरा चोर नहीं हो सकता, तेरी ये आंखें महान चोर नहीं है। जो पक्का चोर है वो ही इतनी चोरी कर सकता है, कोई सामान्य अकुशल नौ सिखिया चोर ऐसी चोरी कर सकने में कभी भी सफल नहीं हो सकता है। क्योंकि शरद दास साध जात सब सरस जोदर श्री मुशादशा, शरद काल का कैसा सुंदर उदाशय माने सरोवर था, उसमें भली भांत अच्छे प्रकार से उत्पन्न होने वाला सब वंश में उत्पन्न होने वाला कोई सरसिज कमल, उस कमल के भी उदय माने कमल के भी कोश में जो श्री शोभा विराजमान थी उसको चुराने में तुझे देर नहीं लगी। तूने अरे चोर चक्रवर्ती, चोरों का तू चक्रवर्ती है। चोर चक्रवर्ती जो होता है वो स्वयं चोरी करने नहीं जाता है, वो अपने चेला चाटियों को भेजता है। तो तूने अपनी दृष्टि रूपी एक महा चोरनी को उस शोभा को चुराने के लिए भेजा, श्री मुशा दृशा दृष्टि रूपी एक चोरनी को भेजा और उस चोरनी ने दुर्ग के भीतर किले के भीतर सरोवर रूपी पानी का जिसमें किला है उस किले के भीतर फिर उसमें पत्ते हैं सुरक्षित स्थान पर रखा हुआ है। ऐसे सुरक्षित स्थान पर रखा हुआ जो कमल, कमल के भी कोश में विराजमान जो शोभा, उस शोभा को भी तेरी आंखों ने पट चुरा लिया है। कमल की शोभा को तेरी आंखों ने चुरा लिया। सुरत नाचते, अब तेरी दृष्टि ऐसी ये केवल चोरनी नहीं है, ये ही मानने वाली है, ये ही रक्षा करने वाली है। सुरत नाथ प्यारे, तू नयनों के द्वारा ही सुरत माने हमसे मिलन की प्रार्थना करता है। सुरत नाथ ते, हम तेरी अशुल्क दासका हो गई, हम तो तेरे रूप गुण को देख करके ऐसी बाबरी हो गई। तू महाचोर चक्रवर्ती है, तूने दृष्टि रूपी तो कोई अपूर्व बुकनी कोई राख भस्म वो हमारी आंखों में झोंकी और अधरामृत रूपी कहीं कोई जहर खुरानी तूने की, कोई विष उसका
जरा सा हमको आस्वादन कराया तो दृष्टि के द्वारा और अपने अधरामृत इत्यादि के द्वारा हमको आकर्षित करके रूप और माधुर्य इनसे हमको आकर्षित करके हमको ऐसी मोहित कर ली कि हमने अशुल्क दास का अपनी पूरी की पूरी पोथरी तुझे सौंपी। जो चतुर चोर होते हैं वो कोई ऐसा मंत्र जंतर जानते हैं, ऐसा कोई भुखनी डाल देते हैं जिस भुखनी के द्वारा व्यक्ति मोहित हो जाता है, तो तूने अपनी दृष्टि रूपी ही भुखनी डाल करके अपनी अधरामत मधुर वचन उनकी कहीं चखनी चखा करके और बातों के चक्कर में लेकर के और दृष्टि रूपी ही कोई जादू की राख जादू की भस्म हमारे ऊपर डाल करके हमको ऐसा मोहित कर लिया कि हम अशुल्क दासिका अपनी सारी पोथरी धन की तुझे सौंप करके बैठ गई। बिना मोल की हम तेरी दासी बन गई, ऐसा तेरे जादू चलाया। अब बरद तूने नयन के द्वारा ही वर प्रदान किया तो निघ्न तो नेह किम बधार, क्या नयन के द्वारा मारा नहीं जा सकता है? जब तू नेत्र के द्वारा हमारे धन को चुरा सकता है, जब नेत्र के द्वारा तू हमको मोहित कर सकता है, नेत्र के द्वारा सुरत नाथ मिलन की प्रार्थना कर सकता है, तो फिर क्या नेत्र के द्वारा नेह किम बधार, नेत्र के द्वारा का क्या बधन नहीं किया जा सकता है क्या? अर्थात हमको मारने वाला भी तू ही है। और फिर एक बात कह रहे हैं, वरद प्यारे नयन के द्वारा तूने जो वरदान दिया उस वर का धारण करने वाला भी तू ही है। धारणे अवखंड धातु है, तो तूने जो वरदान दिया उसको तू नेत्र के द्वारा भी खंडन करने में भी समर्थ है। प्यारे ऐसा मत कर, यदि तुझे इस पाप से बचना है तो तेरा कर्तव्य ये बनता है कि तू दैत्य दृश्यताम अपने मुख का हमको दर्शन करा दे। दैत्य दृश्यताम हर जगह लगेगा, पहली पंक्ति पहले श्लोक का जो है ये दैत्य दृश्यताम हर एक श्लोक के शेष में ये दैत्य दृश्यताम आएगा। यद्यपि ये वचन हरेक गोपियों के अलग अलग वचन है, कोई प्रथाओं के वचन है, कोई अत्यंत अनुकूल जो मृद्वी हैं उनके वचन हैं, कोई मध्याओं के वचन हैं, परंतु श्री भगवाचार्य जी की भाषा में यदि कहें तो कोई सात्विक सात्विकी के वचन हैं, कोई सात्विक राजसी के हैं, कोई सात्विक तामसी के हैं, परंतु दैत्य दृश्यताम ये वचन जो हैं उनमें अंतिम में शेष जो है वो यही है कि दैत्य दृश्यताम तू अपने मुख का हमको दर्शन करा, हमको दर्शन करा, यही इनमें मुख्य भाव जो है वो ग्रामीण कि नेत्र के द्वारा ही तूने शरद काल के कमल की भीतर की शोभा जो पूरे दुर्ग के भीतर विराजमान थी उस शोभा का भी हरण कर लिया। फिर नयन के द्वारा ही तूने दृष्टि के द्वारा ही स्वरतनाथ मिलन की प्रार्थना की। फिर नयन के द्वारा ही वरद हमको वरदान प्रदान किया, तो फिर नयन के द्वारा वर का धारण करते हुए क्या हमको मार नहीं सकता है क्या? वह भी तू कर सकता है। यदि ऐसी बात थी तो प्यारे फिर तूने हमको अनेक अनेक आपत्तियों से बचाया क्यों? विश्व जला प्यार ब्याल राक्षसा तूने विश्व जल से व्याल राक्षस से माने अघासुर से विष जलाप्यात विष से हमारी रक्षा की माने काली, जलाप्यात माने इंद्र ने जब वर्षा की तो जल के ही अप्याय माने अधिकता बाव उसे रक्षा की। फिर व्याल राक्षस आप कहकर के राक्षस रूप जो व्याल था अर्थात अघासुर, यहां पर काली नहीं है, व्याल शब्द के साथ में राक्षस लेकर के फिर काली, तो व्याल अक्षर में अघासुर काली नहीं, तो काली से वर्ष मारुता वर्षा और मारुत से मारुत में कहीं त्रणावर्त इत्यादि से और वैद्य तानला विद्युत और अनल, अनल माने
तावाग्नि से, और विद्युत माने इंद्र, वर्षा, इंद्र की वर्षा, इन सबों से तूने हमारी क्यों रक्षा की। भीष्मा ने अरिष्टासुर से, मैं आत्मी आत्मा ने तूने जो व्योमासुर है, मैं दैत्य का पुत्र, उससे तूने हमारी क्यों रक्षा की। विश्व को भया, सारे भयों से तूने मेरी रक्षा की। ऋषभ ते वयम रक्षता महु, अरे ऋषभ, अरे श्रेष्ठ, तूने क्यों हमारी रक्षा की थी। क्योंकि नीति ये कहती है कि विश्वक्षोप संबद्ध स्वयं क्षेत्रम न सांप्रतम, यदि अपने हाथ से विश्व का वृक्ष भी लगाया जाए तो उसको भी स्वयं नहीं काटना चाहिए। तो जब तूने हमारे प्राणों की रक्षा करने का प्रण लिया तो अब हमारे प्राणों का स्वयं हरण क्यों करता। इसलिए दैत्य दृश्यता बोई, ये प्यारे अपने मुख का हमको दर्शन कराते हुए विराजमान हो जा। अब यहां पर श्री कृष्ण की अपनी रक्षा करना, ब्रजवासियों की रक्षा करना और अपनी रक्षा करना, यही मानो हमारी रक्षा है। अर्थात तेरे ऊपर यदि कहीं कोई आंच आ जाती तो हमारी भी रक्षा नहीं होती। तो रक्षा की गई है अपनी, परंतु वो रक्षा की गई है हमारी, ये आत्मता की। अब जैसे काली के ऊपर नृत्य कर रहे हैं तो रक्षा कर रहे हैं कृष्ण अपनी, पर ब्रजवासी गण कह रहे हैं, गोपी कह रहे हैं कि तूने हमारी रक्षा की, क्योंकि तू ही तो हमारे प्राण है, अतः तेरी रक्षा हमारी ही अपनी रक्षा है, ऐसा कहते हुए विराजमान। नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देह नाम अंतरात्म, प्यारे समझ गए तू यशोदा नंदन नहीं है। यशोदा जी तो हमसे कितना प्रेम करती, हमें जरा सा भी कहीं थोड़ा सा भी कष्ट हो यशोदा कितनी व्याकुल हो जाती है। यशोदा नंदन होता तो थोड़ा बहुत तो तुझमें माँ का कुछ गुण आता, तू तो बिल्कुल मालूम पड़ता है यशोदा नंदन है ही नहीं, यशोदा का बेटा ही नहीं है। बोले तो कौन हूं मैं, बोले विखन सार्थ तो विश्वदय, विखनस माने ब्रह्मा, उनसे अर्थता है, उसने प्रार्थना की है तो विश्व की रक्षा करने के लिए तू जगत में उत्पन्न हुआ है। सखी उदयवान सात्वतान को ले, इस यादवों के कुल में तेरा जन्म हुआ है। यदि यशोदा नंदन होता तो हम गोपियों के प्रति इतना निष्ठुर होता क्या। मालूम होता है तू तो केवल परमात्मा अंतर्यामी है, कि जीवात्मा दुख भोगता रहे, परमात्मा को कोई असर ही नहीं, कोई भाई नहीं, कि दुख भोग रहा है तो भोगेगा। परमात्मा केवल साक्षी रूप में शक्ति का दान करने वाला है, वह केवल साक्षी है, शक्ति का आपको प्रदान करने वाला होकर के विराजमान है। कार्य जो हो रहा है वो जीव की